हमारे खबर के बाद हल निकला और भाटपाड़ा पौरसभा के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन भुगतान हुआ। इस बार मामला है जूट मिल श्रमिकों का। सरकारी आदेश के बाद देखा गया कई मिल के मालिकों ने श्रमिकों को कुछ वेतन, खाद्य सामग्री तो कोई मजदूरों को ब्याज रहित एडवांस देकर आपदा के इस घड़ी में मजदूरों को ढांढस बंधाया। पर रिलायंस जैसे कई मिल अपने श्रमिकों पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है तथा इस समय अपने हाथ खड़े कर रही है। आज मजदूर बाध्य हो रहे हैं अपने भविष्य निधि से पैसे निकालने को। इस विषय पर क्या आशंका जता रहे हैं भाटपाड़ा तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन धर्मपाल गुप्ता, देखिए ये रिपोर्ट। रिलायंस जूट मिल में लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है और जो दिया जा रहा है वो पीएफ का पैसा, जो उनका अपना पैसा है। क्या बोलेंगे इस बारे में, क्या ये उचित है? देखिए, हमारे भी पास में खबर आई थी कि रिलायंस में जो है पीएफ का पैसा जो कंपनी विड्रॉ करेगा, और ये पैसा तो बिना यूनियन का समिति से विड्रॉ नहीं कर सकता है जो ट्रस्टी बोर्ड का मेंबर, और ट्रस्टी बोर्ड का मेंबर जो भी जीता हुआ है उसमें बेसी भाग जो है हमारे पूर्व विधायक या अभी वर्तमान एमपी बोलिए उनका ही सब आदमी है। तो हमें, हमारे पास मजदूर आए थे हमारे यूनियन का, तृणमूल जूट फेडरेशन का जो हमारे यूनियन है वहां पर, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है 10,000 रुपया करके जो है कंपनी दे रही है। तो बहुत बढ़िया बात है भाई, ये पैसा कहाँ से दे रही है? तो बोला पैसा हम लोग का पीएफ उठा के और फिर हम लोग में बांट देगा। मैंने बोला कि नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो हमारे मजदूर का पैसा है, ये मजदूर का पैसा कंपनी क्यों विड्रॉ करेगा? एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं आपसे कि आज एडवांस के रूप में हमको 1-2 करोड़ रुपया दिया देने के लिए लग रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या गारंटी है कि कंपनी जो है 20 करोड़ रुपया पीएफ से उठा ले? इसका कोई गारंटी है कि नहीं उठाएगा? और अगर कंपनी एक्स्ट्रा पैसा उठा लेता है इसका भविष्य क्या होगा? कंपनी का रवैया जो देखा जा रहा है, रिलायंस जैसा इंडस्ट्री का मालिक का जो रवैया देखा जा रहा है, इस इलाका का एक नंबर मिल था, जबकि सारे मिल यहां पर जो है 4,000 रुपया ही एडवांस दे रहा है, तो रिलायंस इससे दूर क्यों है? हमको पीएफ का ही पैसा उठाना होगा, ये तो लास्ट प्रयास है अपना बचने के लिए। वो तो हम 10,000 को 20,000 भी उठा सकते हैं, 25,000 भी उठा सकते हैं, हम तुम्हारे मार्फत से क्यों लेंगे अपना पैसा? हम अपना पैसा जो एप्लीकेशन देके अपना पीएफ से विड्रॉ करेंगे। वो तो बोल रही है कि अगर इस तरह का कोई रवैया होगा कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, तो बात हो के हम लोग एफआईआर करके मैनेजमेंट के ऊपर में कि तू पीएफ पे हाथ देने वाला होता कौन है? अगर कंपनी के पास में औकात नहीं है तो बोल दीजिए कि हम देने नहीं सकेंगे एडवांस, तो फिर मजदूर विकल्प चिंता करेगा, तो पीएफ का पैसा है वो मजदूर उठाएगा अपना। लेकिन आप पहले बोलिए कि आप एडवांस देना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, दूसरा मिल जो है एडवांस दे रहा है आप उसमें शामिल है कि नहीं है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार बोला है कि लॉकडाउन का पैसा मिलेगा, कंपनी कहता है कि हमारा 1200 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बकाया है, मिलेगा तो सोचेंगे। फिलहाल ये लड़ाई में हम लोग क्यों मरे, मजदूर क्यों मरे? तो कम से कम एडवांस दो तुम, कम से कम। लेकिन तुम एडवांस नहीं देके मेरा पीएफ में हाथ देने वाला तुम कौन होता है? कंपनी इस तरह का डिसीजन लिया कैसे? हमने ये बात को जो है ऊपर में अपने नेताओं को भी बताए हैं, हमारा नेता जो है निर्मल घोष, एक्शन होगा। कंपनी क्यों हमारा पैसा छुएगी? तुम्हारा औकात नहीं है, ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि आपको तो फिनिशिंग गुड जो है निकालने दिया जा रहा है, लोरी लोरी माल निकाल रहे हैं, तो ऐसी तो बात नहीं कि पैसा का अभाव है। इस बीच में तो कोई मजदूर वादा दिया नहीं है, मजदूर के साथ में अपन्याय क्यों कर रहे हैं? ये भूखा समझते हैं मजदूरों को? तो मैं तो यही कहूंगा मजदूर भाइयों से, इस लाइन में आप लोग नहीं जाइए, नहीं तो आपका पैसा जो है पीएफ का भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जिस तरह की भाटपाड़ा पौरसभा में जो है पीएफ का पैसा का सुरक्षित नहीं रहा, आपका भी जो जमा पूंजी जो है भविष्य के लिए वो भी जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। कोरोना से बचने के लिए उपाय करें कि मास्क पहने, भीड़ से बचे, बार बार